ये तो भाई साहब जो स्टोरी है ये है उत्तराखंड के स्वाला गांव की। पुरानी कहानी है 1950s के आसपास की, स्वाला गांव की। अब ये कहानी है, सच कितनी है मुझे नहीं पता क्योंकि तो काफी पुरानी है, बट मुझे पता चली तो मैं भाई। उत्तराखंड में एक जगह है स्वाला, ये कहानी है 1950s के आसपास की। उस समय क्या था कि सीआरपीएफ के कुछ जवान जो थे, 1950s, आज की तरह तो रोड्स थी नहीं, जो थी भी उनकी हालत बहुत ही बुरी थी। मतलब रोड ऐसी थी कि साइकिल भी डिसबैलेंस हो गई तो वो खाई में जाए, उस तरह की रोड। तो भाई आर्मी की एक वैन थी, वो ऊपर की किसी जगह पे पोस्ट पे जा रहे होंगे, कुछ हुआ किसी गाड़ी की वजह से कह लो, या डिसबैलेंस हो गए, या पत्थर गिरा, या लैंडस्लाइड हुई, शायद लैंडस्लाइड हुई थी, तो उनका एक्सीडेंट हो गया उस वैन, और वो वैन जो थी ये खाई में जा गई। इट वॉजंट अ ट्रक, इट वॉज अ वैन। और जो सोल्जर्स थे उसमें सीआरपीएफ के, वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, बहुत बुरी तरह से। मतलब इतना कि वो बाहर आने की निकलने की हालत में नहीं थे, जाहिर सी बात है खाई में जब गिरती है गाड़ी। अब उस जमाने की गाड़ियों में जैसे आजकल की कारें वगैरह होती हैं, उतने सेफ्टी फीचर्स और ये सब भी नहीं होते थे, और वो वैन है बेसिकली, वो ट्रांसपोर्ट वैन है, वो कोई सेफ्टी व्हीकल तो है नहीं। तो एक्सीडेंट भी बहुत बुरा हुआ, गाड़ी बहुत डीप में जाकर गिरी खाई में। अब हुआ क्या, वो बेचारे, कुछ लोग ऑन द स्पॉट मर गए, कुछ लोग थोड़ा वेट करा, उनके शायद उतनी फेटल इंजरीज उस समय नहीं थी, उन्होंने वेट किया कि शायद कोई आए बचाए। उन्होंने वायरलेस वगैरह पे कोशिश करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, वो भी सब भी डैमेज हो गया था। तो हुआ क्या कि ऐसा कहते हैं कि स्वाला गांव से कुछ लोग आए। अब वो लोग उसी गांव के थे, किसी और गांव के थे, डाकू थे, लुटेरे थे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं किसी गांव के लोगों पे या किसी क्षेत्र के लोगों को ब्लेम नहीं कर। कुछ लोग आए और उन्होंने उन सोल्जर्स की मदद करने के बजाय उनका सारा सामान जो था वो लूट लिया, कपड़े, पैसे, गन्स, जो भी चीजें थी, जो भी बिलोंगिंग्स थी, वो सब लूट लिया और उनको वैसे ही छोड़ दिया। तो जो सोल्जर्स ऐसे थे जो बहुत ग्रेवली इंजर्ड नहीं थे, जिनकी जान बचाई जा सकती थी, वो भी ब्लीडिंग की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी भी डेथ हो गई। अब जाहिर सी बात है जब पोस्ट पर व्हीकल नहीं पहुंचेगा तो वो क्रॉस चेक करेंगे, उन्होंने क्रॉस चेक किया, 2 दिन 3 दिन लग गए उनकी वैन को ढूंढने में, मतलब यही डिटरमाइन करने में कि वो गिरी कहाँ होगी, क्योंकि तो रास्ता इतना दूर, अब कहाँ, और खाई में कोई ऐसा तो है नहीं कि तुमने झांका और तुम्हें दिख गई वैन। भाई वहां जंगल होता है, थिक फॉलिएज होती है, भयंकर जंगल होता है भाई। वो देखते देखते सब सर्च वगैरह करते हुए ना 2 3 दिन 4 दिन लग गए, ढूंढा तो डेड बॉडीज मिली, कुछ डेड बॉडीज को जानवर भी खा गए थे पार्शली, और उन्होंने उठाया डेड बॉडीज को, जो भी करना था अंतिम संस्कार वगैरह वो सब किया। पर उसके बाद कुछ स्ट्रेंज चीजें हुई। पहली चीज, उस रास्ते पर, उस पर्टिकुलर जगह पे एक्सीडेंट हुआ था, वहां उन सोल्जर्स का आतंक शुरू। वो आतंक कैसा था, वो आतंक ऐसा था कि वो लोगों को रोकने की कोशिश करते थे, जो तो लोग अपनी गाड़ी से या जैसे भी जा रहे होते थे, बस से जैसे, रोकने की कोशिश करते थे। लोगों को ऐसा लगता था उनकी गाड़ी के सामने कोई गन लेके खड़ा हुआ है, SLR, सिंगल रोड रोड राइफल लेके खड़ा हुआ है। लोग डरे, कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हुए, बट ये सिचुएशन सुधरी नहीं, ये सिचुएशन और बुरी हो। ये जो लोग थे, स्पिरिट्स थी, एंटिटीज, उन्होंने अपना अगला निशाना बनाया स्वाला गांव को। और ये 1950s की बात है, जब पहाड़ों के गांवों में 50 फैमिली रह लें तो बहुत बड़ी बात होती थी। पॉपुलेशन मेन लैंड में इतनी कम थी, पहाड़ों में तो बहुत ही कम थी। अब तो पहाड़ों में भी एकदम ऐसा लग रहा है कि लोग मिशन बना के निकले हैं। ठीक है, तो भाई स्वाला गांव में उनका आतंक, पहले कुछ लोगों को परेशान किया गया। अब ये नहीं पता कि ये वही लोग थे,
इन्होंने उन लोगों को सोल्जर्स को मरने के लिए छोड़ दिया या वो कोई और थे। बट द पॉइंट इज कि कई लोगों को जो है परेशान किया गया जिस तरीके की नॉर्मल कोई भी हॉन्टिंग होती है। और उसके बाद वहाँ के जितने भी गांव के घर थे वहाँ रात होने के बाद कोई अपने घर से ना निकले। ये हाल हो गए कि भैया कहीं कोई उठ ना जाए, कहीं कोई मर ना जाए, किसी को कोई ले ना जाए अपने साथ। और पहाड़ों में सब चीज़ें बहुत प्रेवलेंट होती हैं, मतलब दे आर वेरी प्रोलिफिक और एंड ओमिनस कह सकते हो। ये भी शुरू हुआ, ये आतंक इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि 16 गांव के में जितने भी लोग थे उन्हें वो जगह छोड़ के। और ऐसा कहते हैं कि वो जो जगह थी वो बहुत लंबे समय तक खाली पड़ी रही। आई डोंट नो आज 16 गांव में कितने लोग उसी एग्जैक्ट उसी जगह पे कितने लोग रहते हैं या नहीं, बट दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट अर्बन लेजेंड। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर पहाड़ का कोई आदमी तो इस तरह की वो बात बताए तो उसकी बात कभी हल्के मत।